के बाद करंट ईयर का किधर जाए? इनकम एनी डॉट क्या दिया? देखो देर में 1500 मेंबर्स पेइंग 12 रुपया, तो 18,000 आना चाहिए। 18 में से 14,100 मिला, 3,900 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। हेलो, 3,900 इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यू गॉट इट? सो एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, ये करंट ईयर का मिलना बाकी है। एंड 8,900 बोले तो विच ईयर? नेक्स्ट ईयर का है, तो ये क्या हो गया? लाइबिलिटी। विल आई सब्ट्रैक्ट इट? शुद्ध, ईयर वाइज दिया है, शुद्ध है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तीनों मिले। व्हाट अबाउट प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा? प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा इज व्हाट? इनकम, दिस इज 2,500। एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया है? तो कैपिटल रिसीट है, तो एड टू कैपिटल फंड। कौन सा कैपिटल फंड? लास्ट ईयर की करंट, करंट सी वाई। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज ऑल्सो इनकम। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, वापस आया, 200 रुपया सर्कल मारो। 200 कहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नहीं, उसकी जगह दो चीजें रिकॉर्ड करनी है। एक बुक वाली माइनस किया, यस। दूसरा प्रॉफिट लॉस था, होता तो वो भी कर दिया, तो डन। सेल कहीं रिकॉर्ड नहीं हो, उसकी जगह दो आइटम होगी, वो कर दिया। सोसाइटी हैज 1500 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअली 12, तो आउटस्टैंडिंग एक इफेक्ट एड। व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? एसेट में देखो, मैं कैसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो आएगा, एक तो करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर वाला भी। तो 07 का था 100, जो अभी भी मिलना बाकी, और 08 का है 3,900, तो टोटल होता है 4,000। टोटल 4,000 मिलना बाकी, समझा? हेलो, लास्ट ईयर का 100 रुपया और ये साल का 3,900, दोनों मिलना बाकी। तो ऐसा फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, सेकेंड एडजस्टमेंट डन, थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टेशनरी स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट। मुझे बताओ क्लोजिंग का सेकेंड इफेक्ट? करंट ईयर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इतना है 150, राइट? व्हाट अबाउट ओपनिंग का दूसरा? लास्ट ईयर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना? 200। करंट ईयर एसेट 150, लास्ट ईयर एसेट 200, टेक इट आउट। एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट हो गया, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, वन इफेक्ट इज योर एड, और इज सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी देना बाकी है, कितना? 700। बैलेंसेस ऑन 31st March 07 कहां से टपक रहे हैं? तो सबसे पहला देखो क्या था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? LYA CY, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, हो गया आपका, ठीक करो। बिल्डिंग LYA CY हो गया, बिल्डिंग बाकी है, तो लिखो लास्ट ईयर बिल्डिंग कितने की थी? 25,000। ब्रिंग दैट बिल्डिंग टू करंट ईयर 25,000, उस पर करना है SPD, राइट? सेल था बिल्डिंग का, परचेज था, डेप्री था, डेप्री था, कितना परसेंट है? 2.5, 2.5 व्हाट? 625, राइट? 24,375 द आउटर कॉल, चेक कर लो, 24,375 आ रहा है, चेक आया, 2.5 है ना, मिला। उसके बाद फर्नीचर, वो भी सेम है, LYA CY,
लास्ट ईयर से करंट ईयर एसिड हो गया। अभी डेफरी का भी दो इफेक्ट, वन इफेक्ट ऑफ डेफरी इज योर लेस फ्रॉम फर्नीचर लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर बिल्डिंग पे 625 फर्नीचर पे है 100 टोटल इज 725 सॉर्टेड। आई थिंक विद दैट योर सम इज ओवर कूल। टोटल नो इडियन एडजस्टमेंट राइट कितना आ रहा है टोटल 1065 अच्छा कैपिटल फंड कहां से मिलेगा एसेट माइनस लाइब्रेरी ये 227 31900 आ रहा है टोटल हेलो माइनस 2005 29400 आया लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम सीएसएल का ओपनिंग 29400 आउटर कॉलम 40825 एंड टैलीज 41600 ऐसे चेक किया 41600 टैलीज ऑन 41600 मेन चीज क्या था सम में तो सेल यही नेक्स्ट सम में भी आ रहा है सम नंबर 9 लास्ट सम सेल पे लो ना या बुक वैल्यू माइनस कर दी नहीं या प्रॉफिट एसेट मत दी तो सेल वैल्यू थोड़े माइनस एसेट में बुक वैल्यू कैश में सेल चलो नाइन्थ सम फॉलोइंग इज द रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ लक्ष्मी कल्चरल सोसाइटी पुणे बताओ मुझे पहले लाइन पे आपको दिख रहा है कैश ऑन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है इज दैट ओपनिंग और क्लोजिंग नाइन ओपनिंग है अभी ओपनिंग कैश तो जाएगा लास्ट ईयर ऐसे बट ओपनिंग ओवरड्राफ्ट कहां है लास्ट ईयर लाइव अभी बता ना मैं हेलो सो इस इज अ फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर अरे हाँ इस इज अ फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर कैसे पता चला ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कंटिन्यूइंग ईयर है बराबर छे हेलो आता सांगा माला इज देर एनी कैपिटल फंड गिवन टू यू सारा कंटिन्यू ईयर है और कैपिटल फंड नहीं दिया बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए दिया होता तो भी हम बना हम तो बना के पूरा करेंगे पूरा प्रैक्टिस ड्रॉ कर लो फटाफट एक ही दो बैलेंस शीट दो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट सिंगल लाइन का बना के चलेगा सिंगल कॉल उसमें कोई एडजस्ट
रिप्लेसमेंट नहीं है, दूसरा खाली रहने वाला। अच्छा व्हाट इज द करंट ईयर का डेट? जीरो सेवन है ना, लास्ट ईयर 06 हुआ है ना, बराबर। चलो शुरू करते हैं। पहला कैश इन हैंड और बैंक ओडी समझ में आया? वो क्या है कैश इन हैंड और बैंक ओडी? LYA LYL, प्लीज बी क्वाइट नाउ, स्टार्ट मार्किंग इट आउट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एसेट, साइलेंस साइलेंस। फर्नीचर एसेट, वो सारे करंट ईयर वाले ही हैं, जो पेमेंट में दिख रहे हैं ना, वो यही साल खरीदे हुए, वो उसमें से कोई लास्ट ईयर नहीं जाएगा, उल्टा नहीं जाता, यू आर नॉट ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। दिस इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एसेट, फर्नीचर इज एसेट, सैलरीज आर एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग आर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा इज एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस आर एक्सपेंस, बैलेंस इज ऑन 31st March 07 ओपनिंग और क्लोजिंग। बेटा वो हेडिंग तुम बाद में लिख सकते हो ना, मार्किंग बाद में नहीं होगा ना, चला जाएगा सामान, गाड़ी छूट गया है ना, थोड़ा कॉमन सेंस। बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज व्हाट? करंट ईयर एसेट, बराबर है, ओपनिंग कैश लास्ट ईयर एसेट, ओपनिंग कैश लास्ट ईयर एसेट, ओपनिंग बैंक ओडी लास्ट ईयर लाइफ, समझा। अभी सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए दिमाग में सबको, खुद से करने का। 3 साल है, व्हाट इज द करंट ईयर? 6 7 5 6 का इधर दिख रहा है रिसीप्ट साइड, तो कहां जाए? लास्ट ईयर एसेट, क्योंकि लास्ट ईयर मिलना बाकी था, इस साल मिला है, गॉट दैट, पक्का। LYA 2FX और 1 विल आई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, अच्छा विल आई एडेड टू सब्सक्रिप्शन, सब्ट्रैक्ट हो सकता था अगर एडजस्टमेंट में होता, एड तो करते ही होने का सवाल नहीं, जाएगा लास्ट ईयर एसेट, मिलना बाकी, इनकम लास्ट ईयर की थी और एसेट। 6 7 का कहां जाएगा? 16 200 इनकम, परफेक्ट इनकम। 7 8 का कहां जाएगा? करंट ईयर लाइबिलिटी एडवांस में आ गया है ना, तो करंट ईयर लाइबिलिटी विल यू सब्ट्रैक्टेड? शुद्ध की अशुद्ध? ईयर वाइज दिया है, शुद्ध है तो माइनस करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं आपको एक और शॉर्टकट देता हूं, व्हाट इज द शॉर्टकट? जब भी ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन होता है ना, शुद्ध, जब भी ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन होता है शुद्ध, या ईयर वाइज कोई भी आइटम होता है, तो करंट ईयर में वही एडजस्टमेंट हो सकता है वेर यू आर सपोज टू एड, करंट ईयर में वही एडजस्टमेंट हो सकता है वेर यू आर सपोज टू एड, माइनस वाला एडजस्टमेंट ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस आप दो चीजें करते हो, एक प्री रिसीव और एक लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। यहां पे प्री रिसीव भी अलग से होता है, नेक्स्ट ईयर वाला अलग दिया, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी अलग दिया, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, वो रट्टा मार वालों लॉजिकल है, बट कहीं अटक गए तो याद रखना, योर वाइज आइटम में वही एडजस्टमेंट होता है वेर यू आर सपोज टू एड, लेस वाला होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं, अगर योर वाइज है तो लेस वाला होने वाला नहीं। कौन सा वाला होगा? प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करते हो, और क्या प्लस करते हो? एक और चीज प्लस करते हो, लास्ट ईयर का प्री रिसीव, लास्ट ईयर का प्री रिसीव वो प्लस होगा, ओके, क्योंकि वो ये साल मिला नहीं हो, लास्ट ईयर मिल चुका, तो इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर आएगा। आगे भी क्या बोला सुना मैंने, क्या बोला मैंने, ईयर वाइज रहेगा ना, जब भी तभी कौन सा एडजस्टमेंट पॉसिबल, प्लस वाला, माइनस वाला पॉसिबल। तो बताओ करंट ईयर पहले कहां जाएगा सब्सक्रिप्शन? बोलो इनकम। 7 8 का कहां जाएगा? लाइबिलिटी। विल यू सब्ट्रैक्टेड? नो, ईयर वाइज शुद्ध, मिलावटी नहीं है। 16 650 को इग्नोर मारो, व्हाट इज 16 650?
प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा बोलो एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो क्या दिया क्या करोगे एक्टिव कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर सेल वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है विल यू रिकॉर्ड दैट सेल वैल्यू एनीवेयर सर्कल इट सर्च फॉर व्हाट कुत्ते के जैसे सर्च करो पूरा सम देखो इधर दिख रहा है आपको बुक वैल्यू दिख रहा है बुक वैल्यू पैसे छोड़ नहीं दिख रहा ओ माय गॉड तो व्हाट विल आई अस्यूम सेल वैल्यू इज इक्वल टू मींस जितने का था उतने में बेच जा तो एसेट में से क्या माइनस करना है बुक वैल्यू 120 इज द बुक वैल्यू बिकॉज सेल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू Is there any profit or loss? No. होता तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर समझा तो एसेट का क्या सीन है लास्ट ईयर करंट ईयर लाओ फिर करो एसपीडी सेल के वर्क व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट बोलो बुक वैल्यू दिया था क्या तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं सेल वैल्यू इक्वल्स एंड इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस Now, circle that, 120. Come to the adjustment. Society has 1800 members each paying 10 rupees annually. Total kitna hona chahiye? Mila kitna hai? Matlab kya? Kya karoge Parshvi ji? Add to subscription and assets. Add to subscription and assets. Amount of 390 was in arrears. In respect for the year ended 31st March 06, is it still in arrears or was in arrears? Wow. भैया अगर still in arrears होता ना तो last year भी मिलना बाकी था ये साल भी मिलना बाकी was in arrears ऐसा नहीं है was in arrears का मतलब क्या total outstanding is 390 total of last year जिसमें से 300 मिला है तो 90 क्या होगा still in arrears तो actually adjustment value is not 390 adjustment value is just 90 90 रुपीज का तो इफेक्ट क्या लास्ट ईयर एसेट है तो लास्ट ईयर टोटल कितना था आउटस्टैंडिंग 390 प्लस 90 उसमें से 300 मिल गया है 90 अभी भी मिलना बट अगर पूरा 390 वुड हैव बीन स्टिल इन अरियर्स पूरा 390 वुड हैव बीन स्टिल इन अरियर्स तो लास्ट ईयर एसेट कितना था बताया 690 आ रहा 300 प्लस 390 उसमें से 390 आता करंट ईयर ऐसे समझा फर्क समझा वॉज इन अरियर मतलब क्या बताओ मेरे वॉज इन अरियर मतलब टोटल आउट उसमें से इतना मिला है बाकी मिलना बाकी और स्टिल इन अरियर अभी भी मिलना बाकी है लास्ट में मिलना बाकी है वो रिसीव से अलग रिसीव के अलावा एक्स्ट्रा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31st March 06 31st March 07 वन इज ओपनिंग वन इज क्लोजिंग यस क्लोजिंग स्टॉक क्या करो माइनस एंड करंट ईयर एसेट ओपनिंग स्टॉक एड एंड लास्ट सॉर्टेड एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज कर लिया हमने सैलरी ऑफ 550 इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी करंट ईयर एक्सपेंसेस अक्रूइंग अप टू 31st March 06 वेयर 132 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर का है तो क्या करो लास्ट ईयर लायबिलिटी एक इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंस वेरी गुड व्हाई आर वी गोइंग टू सब्ट्रैक्ट बिकॉज ये साल को बिलोंग आप कौन सा एक्सपेंस एक्सपेंस तो पता ही नहीं है कौन सा एक्सपेंस मिसेलेनियस एक्सपेंस वो एक ही बचा हुआ है ऑड मैन आउट तो मिसेलेनियस एक्सपेंस दिख रहा है 1420 पे किया थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा 1420 जो आपने पे किया है उसमें सबसे पहला कौन सा पे किया होगा लास्ट ईयर का पे किया होगा फिर करंट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर तो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 140 132 वो पड़ा होगा इसके अंदर तो क्या वो ये साल को बिलोंग करता है नहीं इसके लिए क्या करना है माइनस तो 132 का दो इफेक्ट समझा 132 क्या था आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर एक तो लास्ट ईयर लायबिलिटी फाइनल अकाउंट बनाते वक्त फिर वो पे किया होगा उसके अंदर पड़ा है 1420 के अंदर तो हटाओ 1420 माइनस 132 लेस फ्रॉम एक्सपेंस
समझा क्या क्या भेजे में सोसाइटी हैज पेड 500 इन द ईयर 56 टूवर्ड्स टेलीफोन चार्जेस ऑफ विच 125 रिलेट्स टू 67 इसका मतलब क्या सोसाइटी ने 500 रुपए टेलीफोन पे किए थे लास्ट ईयर उसमें से 125 ये साल के थे मीन्स वो 125 क्या ये साल का प्रीपेड है कि लास्ट ईयर का प्रीपेड है तो ये साल का एक्सपेंस हुआ तो क्या करो एड टू एक्सपेंस एंड वेरी गुड तुम्बेश्वर ये साल का एक्सपेंस में एंड लास्ट ईयर एसेट इज दिस क्लियर डिड यू अंडरस्टैंड ये साल का एक्सपेंस में एड एंड लास्ट ईयर एसेट डिड यू गेट इट अच्छा वो 500 का कुछ काम धंधा है क्या यूजलेस वो तो हो गया रिकॉर्ड एक्सपेंस में लास्ट ना अपने काम में 125 था What was 125? Prepaid of current year or last year? Prepaid of last year. Paid in last year, expense belongs to this year. So you add and LYA, last year asset. Last year, कौन से expense में add करूं? बताओ, telephone तो दिख नहीं रहा है. Miscellaneous. You can add it to miscellaneous. Is it clear? Miscellaneous में डालते हो कभी कभी. Petty cash का है. अलग से भी दिखा सकते टेलीफोन वो भी चले अभी पढ़ो ई पॉइंट यहाँ पे एक बड़े से राज का खुलासा होगा जो मैंने लास्ट समय एक्सप्लेन किया था आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं ऑन 31 मार्च 06 मंडे विच ईयर सुनो गांव वालों सुनो प्रीमाइसिस स्टैंडिंग इन द बुक्स में 2500 कहां से टपक रहा है तो लास्ट ईयर का ले जाओ करंट ईयर में फिर क्या करो सेल परचेज डेप्री सेल है प्रीमाइसिस का परचेज है डेप्री है डेप्री मार देंगे हम लोग और क्या इन्वेस्टमेंट 6500 वो भी लास्ट ईयर करंट ईयर में लाओ सेल भी नहीं है परचेज भी नहीं परचेज है परचेज ऐड हो जाएगा डेप्री तो होता नहीं है ना फर्नीचर में डेप्री मारना है अभी सुनो सीन क्या है फर्नीचर आपने ये साल बेचा है 120 वाला क्या लास्ट ईयर के डेटा में फर्नीचर दिया है ओ माय गॉड दिया ही नहीं है और आपने बेच दिया ये सब तो क्या करंट ईयर वाला खरीदा हुआ बेचा होगा क्या अज्यूम करने का लास्ट ईयर आपके पास कुछ तो फर्नीचर था वो कितने का था 120 का बेचा है अज्यूम करने का लास्ट ईयर 120 का था ब्रिंग इट टू दिस ईयर सेल इट देन परचेज एंड देन एनी सोल्ड फर्नीचर मस्ट बिलोंग टू लास्ट ईयर